सो है गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, मेक श्योर वीडियो एंड तक देखिएगा। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीडर फेज वन, जो भी नीट 2024 के स्टूडेंट है, ये वीडियो उनके लिए होने वाला है। तो गाइज, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप ट्वेल्थ पास स्टूडेंट है, मतलब कि अगर आपने अपना ट्वेल्थ बोर्ड क्लियर कर लिया है, तभी ये वीडियो देखे। क्लास टेंथ या इलेवंथ के बच्चे इस वीडियो को ना देखे, या जो भी क्लास ट्वेल्थ के भी बच्चे हों वो इस वीडियो को ना देखे, क्योंकि ये जो बैच है लीडर बैच, ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो कि ड्रॉपर स्टूडेंट है, जिनका ट्वेल्थ कंप्लीट हो चुका है। तो जिन लोगों का भी क्लास ट्वेल्थ कंप्लीट हो चुका है, वही इस वीडियो को देखे, उन्हीं के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करना चाहते कि हमारा जो लीडर का जो कोर्स होता है, लीडर का ये जो कोर्स है, ये फेज वन है। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। जो भी नीट 2024 के स्टूडेंट है, वो इस वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं फेज वन का। तो आपका जो फेज वन है, वो स्टार्ट होने वाला है 8 अप्रैल 2023 को। ये गाइस, आपका जो फेज वन है लीडर का नीट 2024 के लिए, 8 अप्रैल को स्टार्ट होने वाला है। आपका जो कोर्स कोड है वो है 303031, जो कि अभी आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होगा कि कोर्स कोड क्या होता है, लेकिन वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा कि इस कोर्स कोड से आप क्या कुछ पता कर सकते हैं। बाकी अगर एडमिशन का मोड करें तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना होगा, इसमें कोई भी आपको स्कॉलरशिप टेस्ट का यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलता है। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको डायरेक्ट ही एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर मीडियम का बात करें तो यहाँ पे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम का ऑप्शन मिलता है। तो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो या आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हो, हिंदी या इंग्लिश मीडियम के अगर स्टूडेंट है, तो आपके लिए ये बैच होने वाला है। गाइज, अगर लास्ट डेट ऑफ फी डिपॉजिट का बात करें तो वो है 6 अप्रैल 2023। जी गाइस, अगर आपको फेज वन में एडमिशन लेना है तो आपका जो लास्ट डेट रहेगा फी पेमेंट करने का, वो रहेगा 6 अप्रैल 2023। तो कोशिश करें कि उससे पहले ही आप रजिस्ट्रेशन करवा के और अपना एडमिशन करवा लें। और अगर हम फी स्ट्रक्चर का बात करते हैं तो आपका जो फी होने वाला है वो होने वाला है 1,36,000 अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं। अगर आप इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट करते हैं तो आपका जो फी होने वाला है वो होने वाला है 1,42,000। जी गाइस, अगर आप इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट करते हैं तो आपका जो फी है वो रहेगा 1,42,000। अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं तो 6,000 का यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलता है, तब आपका जो फी रहेगा वो रहेगा 1,36,000। अगर गाइस इंस्टॉलमेंट का बात करें तो आपका जो पहला इंस्टॉलमेंट होने वाला है वो होने वाला है 92,000, और जो आपका दूसरा इंस्टॉलमेंट होने वाला है वो होने वाला है 50,000। बाकी गाइस, अगर रिफंड के बारे में बात करें तो इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। रिफंड आप या तो 15 डेज के अंदर में ले सकते हो या आप 30 डेज के अंदर में लेते हो। एडमिशन करवाने के बाद अगर पहले 15 दिन में आप रिफंड लेते हो तो आपको 17,500 को डिडक्ट करके बाकी के जो भी अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में विद इन 14 डेज ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर आप 15 दिन में रिफंड नहीं ले पाते हो तो लास्ट के जो 15 दिन बचते हैं, अगर आप उसमें रिफंड के लिए अप्लाई करते हो तो 35,000 को डिडक्ट करके बाकी के जो भी अमाउंट होते हैं वो आपके बैंक अकाउंट में विद इन 14 डेज ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये हमने बात कर लिया रिफंड के बारे में। अब हम बात करते हैं क्लास वेन्यू के बारे में कि आपका जो क्लास है वो कहाँ लगेगा, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो क्लास है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपका जो कोर्स कोड है वो है 303031। तो गाइस, इसके मदद से आप ये पता कर सकते थे कि आपका जो क्लास वेन्यू है वो कहाँ पे, आपका क्लास कहाँ पे अलर्ट हुआ है। तो गाइस, आपका जो क्लास है वो है सुपथ नयनोरा बार्डन रोड, मतलब कि फेज वन वाले जो स्टूडेंट है जो कि 8 अप्रैल से बैच स्टार्ट होने वाला है, तो आपका जो क्लास वेन्यू है वो है नयनोरा बार्डन रोड सुपथ बिल्डिंग, ठीक है। तो गाइस, आपका जो क्लासरूम सेंटर कोड है वो है 1016, और आपका जो मीडियम है वो इंग्लिश हिंदी दोनों है, मतलब कि दोनों मीडियम के स्टूडेंट जो है इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। तो गाइस, ये हो गया हमारा क्लास वेन्यू के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा मॉड्यूल्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों का मॉड्यूल प्रोवाइड किया जाता है, और ये सब कुछ आपको एडमिशन लेते समय ही सब कुछ मिल जाता है। तो जब आप एडमिशन लेते हो, फी पेमेंट करते हो, तो उसी समय आपको आई कार्ड भी मिल जाता है, और बाकी जो भी आपके मॉड्यूल्स ड्रेसेस होते हैं सब कुछ उसी समय हाथों हाथ मिल जाता है। और गाइस, एक चीज़ और कि ये जो भी आपको मॉड्यूल्स मिलते हैं या जो भी आपको ड्रेसेस मिलते हैं, जो भी बैग मिलता है, इसके कोई भी एडिशनल चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, सब कुछ आपके फी में इंक्लूडेड होता है। तो इन सभी चीज़ के लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होता, सब कुछ आपके फी में इंक्लूडेड होता है। बाकी गाइज, ये जो बैच होता है, एक बार और बता देता हूँ, ये जो बैच होता है लीडर बैच, ये ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए होता है। जो लोग भी ट्वेल्थ अपियरिंग में अगर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो वो लोग ड्रॉपर स्टूडेंट होते हैं। एक साल में ही आपको क्लास 11th और क्लास 12th दोनों पढ़ाया जाता है। तो जो लोग भी ड्रॉपर स्टूडेंट है वही इस बैच में एडमिशन ले, जो लोग भी ट्वेल्थ पास है वही इस बैच में एडमिशन ले। ये जो कोर्स होता है 1 ईयर का कोर्स होता है। बाकी गाइज, अगर एडिशनल स्कॉलरशिप का बात करें तो 15% से लेके अप टू 90% तक का आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल सकता है। अगर आप किसी भी कैटेगरी में फिट बैठते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं कहीं पे स्क्रीनशॉट मेंशन कर दूंगा, आप वीडियो को पॉज करके ध्यान से स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा। सो गाइज, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे अपलोड्स की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।